गाइस वेलकम बैक टू फेस इन कलर्स एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज हम एक मेटलिक आई लुक करने वाले हैं जो कि एक स्मोकी सॉर्ट ऑफ लुक है और ये बहुत ही प्रोफेशनल सा लुक है। बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट अपने ब्राइड्स पर ये लुक करते हैं। सो आज मैं आपको बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप आप ये लुक कैसे अचीव कर सकते हो। एंड जो भी प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करूँगी इस ट्यूटोरियल में वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे नेम और नंबर के साथ। सो इफ यू इंटरेस्टेड इन दिस लुक जस्ट कीप वॉचिंग। सो फर्स्टली हम बनाएंगे बेस और उसके लिए मैंने लिया है ब्लैक जेल लाइनर और उसको एक ब्रश की हेल्प से पूरी आईलेट पर अप्लाई किया है। सो आपको यहाँ पर एक ओपेक लेयर बनानी है ब्लैक जेल लाइनर की। एंड ऑल्सो ये भी ध्यान रखना है कि जब भी आप जेल लाइनर के साथ वर्क करें थोड़ा सा क्विक रहें, बिकॉज क्या होता है ना कि जेल लाइनर एक बार ड्राई हो जाता है तो वो वहीं पर सेट हो जाता है और स्मज नहीं होता है। देन जब जेल लाइनर पूरी आईलेट पे हमने अप्लाई कर लिया है उसके बाद मैंने लिया है यहाँ पर एक डेंस ब्रश और उसमें कोई शेडो नहीं लिया है, बस उससे मैंने एजेस को ब्लेंड किया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर डार्क ब्राउन शेडो लिया है और उसको ब्लैक की एजेस पर अप्लाई किया है डेंस ब्रश की हेल्प से ही। उसके बाद मैंने ब्लैक की एज पर डार्क ब्राउन शेड अप्लाई किया है और धीरे धीरे बिल्ड किया है और इसके लिए भी मैंने डेंस ब्रश यूज़ किया है। एक बार जब ब्राउन शेडो अच्छे से पैक हो गया है नाउ आई एम यूजिंग अ ट्रांजिशन शेड जो कि एक ऑरेंज लाइट ऑरेंज सॉर्ट ऑफ कलर है और उसको मैंने अप्लाई किया है ब्राउन के जस्ट ऊपर और दोनों शेड्स को एक साथ मर्ज किया है। देन जो डार्क ब्राउन शेड था उसकी इंटेंसिटी जो है थोड़ी सी कम हो जाती है जब हम ब्लेंड करते हैं, तो इस वजह से मैंने वापस से मिडिल में उसको ऐड किया है एक स्मॉल फ्लफी ब्रश की हेल्प से। नाउ फॉर द लोअर पार्ट ऑफ द आईज अगेन हम यूज करेंगे डार्क ब्राउन शेड और उसको ब्लेंड करेंगे ट्रांजिशन शेड से, सेम शेड जो हमने ऊपर आईलिड पर यूज किए थे। नाउ आई एम यूजिंग काजल फॉर माई वाटर लाइन और मैंने ऊपर की लैश लाइन पर भी अप्लाई किया है क्योंकि जब हम लैशेज अप्लाई करते हैं और सामने से लाइट पड़ती है तो वहाँ पर थोड़ी सी गैप दिखती है, सो इस वजह से। एंड हियर कम्स द हीरो ऑफ आई लुक और उसके लिए मैंने यूज़ किया है एक शिफ्टर आई शेडो जो कि ब्लू कलर का है, बहुत ही प्यारा सा कलर है और उसको मैंने अपनी फिंगर की हेल्प से पूरी आईलिड पर अप्लाई किया है। And then taken the fluffy brush to blend out the edges. Now after that मैंने लिया है एक light shimmer shade और उससे highlight किया है tear duct corner को। इससे ना eyes एकदम से bright लगने लगती है। And that's all। उसके बाद मैंने fake eyelashes apply की है और look को complete किया है। So this was it about today's look. I hope आपको अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो please like this video and do not forget to subscribe to my channel. और मिलते हैं next tutorial में। Till then, see ya.